अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं श्रद्धा हूँ, हर सत्कर्मी के हृदय में उठती सत्कर्म की आभा मैं ही तो हूँ, हर कर्म योगी के कर्म का पारिश्रमिक भी मैं ही हूँ। जीवन के सतरंगे प्रकाश में आस्था का दीपक प्रज्वलित करने वाली मैं ही हूँ, मैं श्रद्धा हूँ। जगदीश्वर श्री हरि स्वयं वन भवन में प्रकट होकर देवी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखते हैं। उधर सुनीति के पश्चात माँ बनी सुरुचि सुनीति के पुत्र जन्म की सूचना सुनकर स्तब्ध रह जाती है। कंपिला की प्रजा में सच्चे युवराज को लेकर गंभीर चर्चा प्रारंभ हो जाती है। महामंत्री का संदेश सुनकर महाराज उत्तानपाद अपनी विवशता पर स्तब्ध रह जाते हैं। सुरुचि अपने पुत्र का नाम उत्तम रखते हुए उत्तम को कंपिला का उत्तराधिकारी मानने के लिए उत्तानपाद को विवश कर देती है। सुखिया माई का प्रश्न सुनकर सुखिया माई की बात को अन्यथा न ले देवर्षि, वो भावना के प्रवाह में बहकर न जाने क्या क्या कह गई, उसे क्षमा कर दे देवर्षि। नारायण नारायण, महारानी सुनीति, सुखिया माई ने जो भी कहा वो सत्य है। अर्थात? महारानी सुनीति, जगदीश्वर भगवान विष्णु की रहस्यमय लीलाओं का रहस्य समझना साधारण मनुष्य तो क्या, मेरे पिता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्म देव के लिए भी असंभव है। नारायण नारायण, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दया के सागर भगवान विष्णु आपकी और आपके पुत्र के धैर्य की परीक्षा लेने के इच्छुक हैं। कैसी परीक्षा देवर्षि? महारानी सुनीति, महाराज उत्तानपाद के दूसरे विवाह के पश्चात आप परीक्षा ही तो दे रही हैं। जिस प्रकार आज तक आप भगवान की हर परीक्षा में सफल हुई हैं, उसी प्रकार अपने समस्त दुख सुख भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। मन में धैर्य रखें, आप अवश्य सफल होंगी। देवर्षि, भगवान के श्री चरण ही सुनीति और उसके पुत्र ध्रुव के एकमात्र आश्रय है, किंतु आप किन परीक्षाओं की ओर संकेत कर रहे हैं ये मैं समझ ना सकी। नारायण नारायण, समझ तो मैं भी नहीं सका महारानी सुनीति, क्योंकि श्री भगवान की लीलाओं को समझना बिना उनकी कृपा के असंभव है। किंतु अब जब तक मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान के श्रीमुख से नहीं सुन लेता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आपका कल्याण हो महारानी सुनीति। महाराज उत्तानपाद, इस आचरण से आपका चित्त कदापि शांत नहीं होगा, क्योंकि अपनी पटरानी सुरुचि के सामने पहुंचते ही आप अत्यधिक निर्बल हो जाते हैं। नहीं, मैं निर्बल नहीं होता। यदि आपका यह स्वर पटरानी सुरुचि ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। तनिक मध्यम स्वर में बात करें। मुझे किसी का भय नहीं। आप पुनः उच्च स्वर में बोल रहे हैं? आपको तो भली भांति ज्ञात है कि पटरानी सुरुचि के वत्स देश के विश्वस्त सेवक हर समय आप पर दृष्टि रखते हैं। भयभीत न हो महाराज, इस समय यहां पर कोई नहीं है। होता तो संभवतः आप अपनी अंतरात्मा को पहचानना भी स्वीकार नहीं करते। क्या तुम मेरा अपमान करने के लिए उपस्थित हुए हो? अपने जिस अपमान के विष को मैं आपके दूसरे विवाह के पश्चात से सह रहा हूं, उसका अनुमान है आपको? उसके सन्मुख तो यह अपमान कुछ भी नहीं है। क्या कहने के इच्छुक हो तुम? मात्र इतना ही कि मनु पुत्र उत्तानपाद
अपनी अंतरात्मा के स्वर को पहचानो, अपने सम्मान की रक्षा करो। पटरानी सुरुचि के सन्मुख एक कठपुतली बनकर उसके संकेतों पर नृत्य न करो। ये पृथ्वी लोक आपके कुल के कार्यों पर गर्व करता है। क्या कभी आपने अपने व्यक्तित्व के सर्वनाश का कारण समझने का प्रयास किया? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जब सुरुचि के सामने होता हूं तो मेरी मति भ्रमित हो जाती है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं, यदि मैंने सुरुचि का विरोध किया तो मेरा जीवन और अधिक कठिन और अशांत बना देगी। धन्य है आप महाराज उत्तानपाद, धन्य है आपकी कर्तव्य परायणता। कर्तव्य और वचन पालन के नाम पर आपने अभागन सती साध्वी सुनीति को वन महल में छोड़ दिया, जहां वे 9 मास तक गर्भ का कष्ट भुगतती रही, भांति भांति की यातनाओं को सहती रही। किंतु मैं सुनीति के वचन की डोर से बंधा हुआ था। सुंदर, अति सुंदर उत्तर दिया है आपने। एक पतिव्रता नारी के त्याग को पुरस्कृत करने के स्थान पर निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया, और ये समाचार पाकर भी कि महारानी सुनीति ने आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया है, उस सच्चे युवराज की झलक पाने का भी आपने कष्ट नहीं किया। तुम मेरी विवशता को समझते क्यों नहीं? सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु महाराज का पुत्र और महाराज मनु द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के पालन पर गर्व करने वाला उत्तानपाद, विवशता का नाम लेकर महारानी सुनीति पर किए हुए अपने अत्याचारों से विमुख नहीं हो सकता। अत्याचार? हाँ, अत्याचार। उस सती साध्वी स्त्री पर आपने एक नहीं अनेक अत्याचार किए, और अब तो अपनी प्रिय पटरानी सुरुचि से भयभीत होकर आपने उसके पुत्र उत्तम के मस्तक पर हाथ रखकर शपथ भी ली है कि वही कंपिला का एकमात्र उत्तराधिकारी है। सुरुचि ने मुझे जिस स्थिति में शपथ लेने के लिए विवश किया वो तुमसे अज्ञात नहीं है? मुझे आपकी हर स्थिति ज्ञात है, किंतु संभवतः आपको नहीं ज्ञात कि सुरुचि पुत्र को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करके आपने महारानी सुनीति, सच्चे युवराज और स्वयं को भी छला है, और इस अपराध के दुष्परिणाम से आप बच नहीं सकते। आप बच नहीं सकते। महारानी सुनीति, मैं बहुत अधिक लज्जित हूं। तुम्हारे ऊपर जो हमने अत्याचार किए हैं उनके कारण मैं स्वयं की दृष्टि में अपराधी सिद्ध हो गया हूं। क्षमा याचना मेरे अपराधों का दंड नहीं है, अपितु मैं स्वयं तुम्हारे सन्मुख उपस्थित होकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने पुत्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व अवश्य निभाऊंगा। मैं शीघ्र तुम्हारे सन्मुख उपस्थित होऊंगा महारानी सुनीति। मनुकुल की परंपराओं पर गर्व करने वाले महाराज उत्तानपाद, मुझे भली भांति ज्ञात है कि इस समय आप कहां जा रहे हैं। स्तब्ध होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आज इस बात का निर्णय हो जाए कि मनुवंशी असत्यवचनी, स्वार्थी और अवसरवादी है। सुरुचि, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है महाराज उत्तानपाद। अवसर का लाभ उठाने के लिए आपने मुझसे विवाह किया। कंपिला के स्वार्थ के लिए आपने मेरी हर इच्छा का सम्मान किया, और मुझे संतुष्ट करने के लिए आपने असत्य शपथ ली। तुम्हारे हर आरोप का उत्तर मैं दे सकता हूँ। ये भी मनुवंशी महाराज उत्तानपाद का असत्य वचन है। तुम स्वयं भी तो मनुवंशी हो। मेरे पिता महाराज मनु इस पृथ्वी के प्रथम पुरुष थे, इसी कारण हम सब मनुष्य मनुवंशी कहलाते हैं। मेरे लिए मनुष्य होना गर्व का विषय है,
किंतु मैं मनुवंशी नहीं, मैं वत्स देश की वत्सवंशी हूँ। पटरानी सुरुचि, क्या कहने के इच्छुक हो तुम? ये भी आपको भली भांति ज्ञात है, अपने वचन का पालन करें। उस अभागन सुनीति का मुख ना देखे, ये मेरी और कंपिला के युवराज उत्तम की सौगंध है, और कोई इच्छा नहीं है मेरी। पटरानी सुरुचि, मैंने शपथ लेकर तुम्हारे पुत्र उत्तम को कंपिला के समस्त अधिकार प्रदान कर दिए। अब सुनीति और उसके पुत्र के प्रति भी तो मेरा कुछ कर्तव्य है। किस कर्तव्य की दुहाई दे रहे हैं आप? सुनीति मेरी प्रथम पत्नी है। है नहीं महाराज, थी। मेरे विवाह के पूर्व सुनीति ने अपने समस्त अधिकारों का त्याग कर दिया था। मुझे ज्ञात है, मेरे जीवन से खिलवाड़ करने वाली सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। मुझे भली भांति ज्ञात है, मेरे जीवन से खिलवाड़ करने वाली सुनीति के पुत्र को आप युवराज उत्तम के समस्त अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं। परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं होने दूंगी। तुम अपनी कल्पना का ताना बाना बुनकर व्यर्थ ही उद्विग्न हो रही हो पटरानी। तो व्यर्थ समझ ले, यदि आपने मेरी उपेक्षा करके अभागन सुनीति से मिलने का प्रयास किया तो मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं, आप मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित है महाराज, मेरी आत्महत्या का आरोप आप पर लगेगा, और मनुकुल संसार जो अपनी नारी सम्मान के कारण स्वयं पर गर्व करता है वह खंडित हो जाएगा। जागे प्रभु जागे, अपने परम भक्त उत्तानपाद और अपने परम प्रिय भक्त ध्रुव की माता सुनीति की दुर्दशा देखें। जागे प्रभु, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। जागे प्रभु जागे, ये आपकी कैसी लीला है जगदीश्वर? आपके भक्तों पर संकट के भयानक बादल मंडरा रहे हैं और हम योग मुद्रा में लीन हैं। महादेवी, आपके कथन का ये अर्थ हुआ कि आप हमें उत्तानपाद, ध्रुव और सुनीति की दुर्दशा का दोषी समझती हैं? नहीं नहीं प्रभु, यदि जगत पालक जगदीश्वर दोषी होंगे तो इस संसार में निर्दोष कौन होगा? किंतु अपनी बात ने संकोच कहे महादेवी। प्रभु, मुझे आश्चर्य तो इस बात पर है कि सच्चे मन से आपकी आराधना में लीन आपके भक्त सदा भाग्य के द्वारा दंडित और सुखों से वंचित क्यों होते हैं? कुछ तो कहे प्रभु, आप मौन क्यों हैं? महादेवी, जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, वैसा ही प्रश्न लेकर देवर्षि नारद कुछ ही क्षणों में वैकुंठ पधारने वाले हैं। यदि हम उत्तर देने के लिए विवश किए गए तो आप दोनों को एक साथ संतुष्ट करेंगे। आप अपनी जीवन संगनी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? महादेवी, आप मेरी अभिन्न जीवन संगनी हैं। अर्धांगिनी होने के कारण जगत पालन के इस दायित्व में मेरे साथ आपका भी कर्तव्य निर्धारित है। अर्थात? महादेवी लक्ष्मी, पृथ्वी लोक में जन्म पाने वाला हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है। उसके फलदान को हमारे ही समान आप भी तो नियंत्रित करती हैं। मैं समझी नहीं प्रभु। धन और वैभव की अधिष्ठात्री महादेवी लक्ष्मी, मेरे कथन का अर्थ न समझती हो, ये असंभव है। मेरे इस इच्छा संसार में अभी ऐसा कोई प्रश्न जन्मा ही नहीं जिसका उत्तर महादेवी लक्ष्मी को ज्ञात न हो। ज्ञात होने पर भी मुझे आपके श्रीमुख से किसी प्रश्न का उत्तर सुनने में अधिक आनंद आता है। महादेवी, आप स्वयं
पाप और पुण्य के अनुसार प्राणी को धन और वैभव से संपन्न करती हैं। जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है, आप उससे रुष्ट होकर उसे दरिद्र बना देती हैं। जो सत्कर्म करता है, वो आपकी कृपा पाकर संसार के समस्त सुखों का भोग करता है। कहे महादेवी, आप मेरे कथन से सहमत हैं अथवा नहीं? नारायण नारायण। इस समय हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे देवर्षि। हमें भली भांति ज्ञात है नारद कि तुम इस समय सुखिया माई की बात से दुखी होकर वैकुंठ आए हो। इस समय तुम्हारे मन में हमारी लीलाओं के प्रति आश्चर्य के साथ क्षोभ भी उत्पन्न हुआ है। नारायण नारायण। हे भक्तवत्सल भगवान, तब तो मेरे पूछे बिना ही मेरे प्रश्नों का समाधान करें, मेरे उद्विग्न मन को शांति प्रदान करें। नारद, तुम्हारी ही भांति तुम्हारी माता लक्ष्मी भी हमारे उत्तर न देने के कारण उद्विग्न है। प्रायः हमारे भक्त भी हमारी शीघ्र कृपा ना मिलने पर उद्विग्न और दुखी हो जाते हैं। हम सत्य कह रहे हैं ना नारद? हाँ प्रभु, सत्य तो यही है। ये सत्य नहीं है नारद, सत्य का भ्रम है। अर्थात सच्चे भागवत भक्त इस सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करते। किंतु सत्य को असत्य माना भी कैसे जा सकता है? महादेवी लक्ष्मी, सच्ची भागवत भक्ति में लीन भक्त सुख और दुख में भेद नहीं करता। अर्थात प्रभु? नारद, इस संसार में सुखी कौन है? मैंने पहले ही कह दिया है स्वामी कि आपके श्रीमुख से रहस्यों के अर्थ सुनने का आनंद कुछ और ही है। महादेवी, इस संसार में सुखी एकमात्र वो है जो संभाव से अपना जीवन व्यतीत करता है। संभाव? अर्थात परम भागवत भक्त नारद, महादेवी लक्ष्मी, संभाव का अर्थ है लाभ और अलाभ, सुख और दुख, जीवन और मरण, सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा जैसे पांच प्रमुख द्वंद्वों में एक समान द्वंद्वहीन रहने वाला प्राणी। जो भक्त हमारी भक्ति में लीन है, वे सुख और दुख दोनों को ही हमारी भक्ति का प्रसाद समझकर संभाव से स्वीकार कर लेते हैं। नारायण नारायण। किंतु प्रभु। महादेवी, समय का चक्र समान गति से सदा आगे बढ़ता रहता है। उसकी गति में सुख और दुख का कोई मूल्य नहीं है। जो भक्त इस गति के समान दुख और संकट के काल को हमारी परीक्षा समझकर स्वीकार कर लेते हैं, वे निश्चित ही सुखी होते हैं। इसी प्रकार सुख और समृद्धि काल में जो भक्त हमारी कृपा का प्रसाद समझकर और अधिक श्रद्धावान, शांत और निश्चल हो जाता है, वही हमारा परम भक्त कहलाता है।